लाइफ में लेटर्स सी हाउ कैन वी नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन इन विच द नंबर ऑफ बायर्स एंड द नंबर ऑफ सेलर्स इज वेरी लार्ज. बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सेलर्स हैं हमारे पास. ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग अ होमोजिनियस प्रोडक्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. लाइक ऑल ऑफ देम आर सेलिंग अ होमोजिनियस प्रोडक्ट दैट इज द सेम प्रोडक्ट ऑलमोस्ट द सेम प्रोडक्ट एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. दैट इज नोबडी हैज अ रिस्ट्रिक्शन दैट ओके यू कैन नॉट सेल दिस प्रोडक्ट और आई कैन सेल दिस मोर और एनीथिंग लाइक दैट. यू हैव नो रिस्ट्रिक्शंस हियर. मोर ओवर both the buyers and sellers possess perfect knowledge of the market conditions. buyers or sellers as we saw earlier need to have perfect knowledge of the market. okay, so following are the features of perfect competition. first hai ki ye market mein there are a large number of sellers and large number of buyers. under perfect competition there are large number of sellers and buyers. As mentioned earlier, each seller forms a negligible. कोई तो unmute है शायद से mute करेंगे आप disturbance आ रहा है. Thank you. तो इसमें बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं और सिंस बहुत सारे बायर्स सेलर्स हैं दे आर सेइंग दैट ईच सेलर फॉर्म्स अ नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट. मतलब एक सेलर की इतनी कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारे पास है ही बहुत सारे सेलर्स. इन द सेम वे हेंस नन ऑफ देम इज इन द पोजिशन डिस्टर्बेंस. ओके, हाँ, तो बहुत सारी सेलर्स होने के वजह से एक कोई सेलर जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. एंड इन द सेम वे वो लोग बोल रहे हैं कि बायर्स भी इस मार्केट में इतने ज्यादा है कि एक बायर बोलेगा कि नहीं नहीं ये बहुत महंगा बेच रहे हूँ तो उसके हिसाब से प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होगी. उसको जो प्राइस में मिल रहा है ही हैव टू बाय एट इट. सिंस द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर लार्ज नो सिंगल बायर और नो सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस. What happened, Sandeep? Okay. Next is homogeneous product. Matlab almost the same product. An important feature of perfectly competitive market is that the product sold is homogeneous. Matlab identical hai. Kaise size mein, design mein, color mein, taste mein, har cheez mein wo almost same dikhne wala hai. All the products are perfect substitutes to each other. समझो कि मैं डेटॉल का सोप बेच रही हूँ तो मेरे शॉप में भी डेटॉल का सोप सेम ही दिखेगा, संदीप के शॉप में भी सेम ही दिखेगा और संजीव के शॉप में भी सेम ही दिखेगा. सो दैट इज वी आर सेलिंग अ होमोजिनियस प्रोडक्ट. ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स टू ईच अदर. ये मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स जो है वो होमोजिनियस है. थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. देर आर नो बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स. एनी फर्म कैन एंटर और क्विट द इंडस्ट्री एट इट्स ओन विल. क्योंकि संदीप को लग रहा है कि डेटॉल के सोप्स बेचने में मुझे फायदा हो रहा है तो ही विल स्टे इन द मार्केट. संजीव को लगता है क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है संजीव विल डिसाइड टू लीव द मार्केट. ही विल स्टॉप बाइंग, ही विल स्टॉप स्टोरिंग और सेलिंग डेटॉल के सोप्स. तो इस हिसाब से नोबडी विल हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस. वी कैन फ्रीली एंटर और फ्रीली एग्जिट द फर्म्स द मार्केट सॉरी. इफ देर इज अ होप ऑफ प्रॉफिट द फर्म विल एंटर द मार्केट. If there is possibility of loss, the firm will leave the market. ठीक है. Next है single price. A single uniform price prevails under the perfect competition, which is determined by the interaction of demand and supply. Demand और supply के हिसाब से एक ही price decide होती है. ऐसा नहीं बोल सकते कि संजीव बोलेगा I'll sell the Dettol soap for 20 rupees, I'll sell it for 5 rupees. नहीं, सब जगह पर एक ही same price पे हम उस product को बेचेंगे. Next है right. हाँ, नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट. कि बायर्स एंड सेलर्स को क्या होना चाहिए, नॉलेज का परफेक्ट सॉरी मार्केट कंडीशंस का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए. कि एवरी सेलर एंड बायर हैज द नॉलेज अबाउट द प्राइस, क्वालिटी, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. संजीव फसानी, बिकॉज़ ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक सेलर 100 रुपए में बेच रहा है तो मैं उसको पता नहीं है सामने वाले को तो 200 रुपए का ऐसा लगा के बैठा है. हाँ, तो मतलब यहाँ पर हमें अज्यूम करना है कि संजीव को भी पता है कि ये चीज 50 रुपए की है और बाय करने वाले को भी पता है कि 50 रुपए की है, ताकि संजीव भी सामने वाले को फंसा ना सके और सामने वाला भी नहीं फंसेगा क्योंकि सबको पता है, नॉलेज है उनको मार्केट का कि ये चीज इतने इतने की ही है.
नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो चीज बनने में जो फैक्टर्स लग रहे हैं उनमें परफेक्ट मोबिलिटी है. तो दे आर सेइंग देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल, मोबाइल मतलब लेबर और कैपिटल, पैसा और जो जिनका लेबर हमें मिल रहा है वो मोबाइल है. मोबाइल मतलब यहाँ से वहाँ मूव कर सक रहे हैं, नॉट ओनली जियोग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली, मतलब उनका काम भी शिफ्ट हो सकता है, वो मोबाइल है उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज यूनिफॉर्म, एक ही सेम प्राइस पे हम बेच रहे हैं. बिकॉज वी अज्यूम द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कि समझो दादर में अगर बन रहे हैं डेटॉल के सोप्स, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दादर से तो ग्रांट रोड पास में है तो फिर डेटॉल का सोप जो है अगर दादर में बन रहा है तो ग्रांट रोड में सस्ता बिकना चाहिए और बोरिवली में महंगा बिकना चाहिए क्योंकि बोरिवली दूर है दादर से. नहीं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को गिनते ही नहीं है. फिर वही सेम सोप हम लोग चर्च गेट बट में, हाँ दीदी बोलो. ऐसा भी हो सकता है ना कि जो मतलब जहां से बन रहा है उधर से उठाओ तो बहुत सस्ता मिल जाता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, हमारे थिंक हाँ, ऐसा होती है। कुछ कुछ कमोडिटीज में ऐसा होता है, पर अगर हम लोग एक समझो डेटॉल सोप का एग्जाम्पल ले रहे हैं. बिकॉज मैंने ऐसा क्यों हाँ बोला हाँ क्योंकि अगर कंपनी से जो डेटॉल नॉर्मल है 15 रुपए का, अगर सेम 15 का देगा तो जो शॉपकीपर होंगे उनको तो फायदा नहीं होगा ना, इसलिए बोला मैं। हाँ हाँ राइट. शॉपकीपर्स तक की बात अलग है, मतलब उनको ऑब्वियसली वो लोग कम प्राइस में लेते हैं, डायरेक्टली लेते हैं वो होलसेल मार्केट से, और फिर हमें थोड़ी सी प्राइस बढ़ाकर बेचते हैं ताकि उनका भी प्रॉफिट हो सके. तो हम लोग मार्केट से खरीदने वाली बात कर रहे हैं कि हम लोग मार्केट में आ गई है ये चीज, फिर वहां से खरीदने की बात कर रहे हैं. तो तभी आपके यहाँ भी डेटॉल उतने ही प्राइस का मिलेगा और मेरे यहाँ भी उतने ही प्राइस का मिलेगा. मे बी आपके एरिया में वो प्रोड्यूस हो रहा हो, पर आपके यहाँ की शॉप्स में, दुकान में वो उसी प्राइस का मिलेगा जो मेरे यहाँ के शॉप्स में मिलेगा, राइट? क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की जगह से दुकान तक पहुंचने वाले के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है जिसके लिए पैसे लगते हैं, वो उन लोगों ने काउंट नहीं किए हैं. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम उसे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है? आगे है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. लेजे फेयर पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इट मीन्स देर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करता, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. लेजे फेयर मतलब क्या, तो ऑन इट्स ओन मार्केट जो है उसको अपने खुद के ऑटोनमी पे छोड़ दिया है. गवर्नमेंट बोलेगा नहीं कि हमारे रिस्ट्रिक्शन है तुम इतना ही बेचो, हम बोलेंगे वही बेचो, यही करो वो करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, मार्केट इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन टू सेल द प्रोडक्ट. तो फीचर्स क्लियर है इतने कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बायर्स है, या हाँ क्लियर है। वेरी गुड, होमोजिनियस प्रोडक्ट है, फ्री एंट्री एग्जिट है, एक सिंगल प्राइस है, नॉलेज परफेक्ट है मार्केट का, मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, एंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है? तो इसके बाद जो है एक मिनट, ओके दीदी। नाउ फॉर्म्स ऑफ मार्केट. ओके, इंट्रोडक्शन. मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकैलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस्ड, बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डिरेक्टली और इनडिरेक्टली, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस अमंग देम. सो वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल अस इज, यूजली बाय द टर्म मार्केट हम क्या समझते हैं कि ओके इट इज अ प्लेस वेयर वी गो एंड बाय गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट मीन्स के दिस इज एन अरेंजमेंट वेर इन बायर्स एंड सेलर्स दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दे इधर कम इन कॉन्टैक्ट डिरेक्टली या फिर इनडिरेक्टली, बिकॉज सेलर हमारा समझो कि कोई फार्मर है, तो फार्मर डिरेक्टली अगर हमें कुछ बेचने नहीं आ रहा है, बट थ्रू अदर एजेंट्स और थ्रू अदर पीपल, थ्रू अदर सेलर्स और द ग्रोसरी शॉप और एनीथिंग, वो इनडिरेक्टली हमारे तक उनकी जो सर्विस है, उनका जो प्रोडक्ट है, उनके गुड्स है, वो हमारे तक बेच रहे हैं. तो यहाँ पर हमें ये नहीं समझना है कि मार्केट चलो एक जगह है वहां जहाँ पर हम कुछ बाय करने जाते हैं. तो इकोनॉमिक्स में मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह नहीं, एक अरेंजमेंट है जहाँ पर बेचने वाला और खरीदने वाला डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली आकर एक दूसरे के साथ एक गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. तो इकोनॉमिक्स का मार्केट टर्म समझ में आ गया?
या दीदी ओके लाइब्रेरी नाउ का थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मतलब ये बता दो ये क्या है एक्चुअली, मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है किसके बारे में? यही इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा हाँ, सा। इंट्रोडक्शन मतलब बोलो क्या बोल रहे हैं। नॉर्मली हम लोग मार्केट ये टर्म से क्या समझते हैं कि एक जगह है जहां पर हम कुछ खरीदने जाते हैं, राइट? हमारे लिए मार्केट यही होता है। पर इकोनॉमिक्स में वो लोग क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स में मार्केट एक जगह नहीं है, मार्केट एक अरेंजमेंट है। बस बस इतना ही हाँ बस। हाँ ओके। तो जहां पर हम बायर्स और खरीदने वाला और बेचने वाला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करता है, ठीक है? नाउ फर्दर वी लुक एट द डेफिनेशन ऑफ मार्केट। अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन कुरनॉट, इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद वन अनदर दैट द प्राइजेस ऑफ सेम गुड्स टेंड टू इक्वालिटी इजिली एंड क्विकली। मतलब ये जो इकोनॉमिस्ट है ये भी यही बोल रहे हैं कि ये टर्म मार्केट से हम कोई एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर चीजें खरीदी या बेची जाती है, पर फिर ये कांटेक्ट है सेलर्स और बायर्स के बीच का, इतना क्लोज कांटेक्ट है कि हम लोग देखेंगे कि समझो कि हम लोग ग्रांट रोड में रह रहे हैं, तो ग्रांट रोड में हर जगह पर हमें प्याज एक ही प्राइस की मिलेगी। मतलब ये इतना क्लोज कॉन्टैक्ट होता है कि प्राइजेस ज्यादा डिफर नहीं करती है। एक रीजन होता है जहां पर ये सब चीजें क्या होती है, इक्वल होती है और इजी एंड क्विक होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। दस मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स। मतलब जो खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं उनके बीच के डीलिंग्स का नेटवर्क है, डील हो रही है इन सब के बीच में। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ मार्केट विल एग्जिस्ट इफ देर आर। अभी हम कैसे पहचाने कि मार्केट है या नहीं, तो ऐसी चीजें हमें दिखेंगी, उन्होंने कुछ लिस्ट बताई है, ऐसी चीजें दिखेंगी तो ओके वी कैन कॉल इट एज अ मार्केट। इफ देर आर बायर्स एंड सेलर, इफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, इफ देर इज अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज टू बी बॉट और सोल्ड, मतलब कोई एक प्रोडक्ट भी होना चाहिए, बेचने वाला खरीदने वाला भी होना चाहिए, द प्रोडक्ट शुड हैव अ प्राइस, वो प्रोडक्ट के कुछ प्राइस होनी चाहिए, देर शुड बी अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, एंड बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स शुड हैव द नॉलेज ऑफ द मार्केट दैट ओके इफ आई एम सेलिंग अनियंस आई शुड नो दैट ओके नॉर्मली क्या चल रहा है अनियंस का प्राइस, एंड इफ आई एम अ बायर आई शुड नो कि ओके ये रीजन में इतना इतना महंगा मिल रहा है अनियंस, तो मुझे कुछ नॉलेज होना चाहिए ताकि कोई एक दूसरे को फंसा न सके, ठीक है? तो बेसिकली ये लोग हमें एक बैकग्राउंड दे रहे हैं कि मार्केट ये चीज क्या है, ये क्या डील्स हो रही है एक बेचने वाले इंसान में और खरीदने वाले इंसान में। नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट ऑफ आर चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट कैन बी क्लासिफाइड दे आर सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया, दिस इज शोन इन द फिगर। कि उन लोग बोल रहे हैं कि हम मार्केट को तीन मतलब अलग अलग इसमें डिवाइड कर सकते हैं, कि जगह के हिसाब से मार्केट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वक्त के हिसाब से हम मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं, या कॉम्पिटिशन के हिसाब से कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो जगह के हिसाब से हमारे रीजन में एक लोकल मार्केट होता है, फिर एक नेशनल मार्केट होता है जो हमारे कंट्री के लेवल का होता है, और एक इंटरनेशनल मार्केट होता है। तो ये जगह के हिसाब से क्लासिफाई हो गया। तो व्हाट इज लोकल मार्केट? लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर्स सेल एंड कस्टमर्स बाय अ प्रोडक्ट इन द रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। लोकल मार्केट मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर खरीदने वाला और बेचने वाला वो प्रोडक्ट उसी रीजन में बनता है और उसी जगह पर वो बेचा जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री। ईच नेशनल मार्केट इज गवर्न्ड बाय रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री। मतलब क्या है कि ये एक नेशन एक कंट्री का मार्केट है, और इसको क्या इसका यही कंट्री, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, यही कंट्री के लोग, यही कंट्री की सिस्टम ये नेशनल मार्केट को चलाती है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मार्केट। कि इंटरनेशनल मार्केट इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। मतलब हम लोग देख रहे हैं लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जगह कैसे चेंज हो रही है मार्केट की। इसमें हम लोग चीजें इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये हमारे नेशनल बॉर्डर्स के बाहर जाता है। सो दिस वॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, कि लोकल हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हाउ डू वी क्लासीफाई मार्केट? फर्स्ट इज वेरी शॉर्ट, सेकेंड इज शॉर्ट, एंड थर्ड इज लॉन्ग। वॉट इज वेरी शॉर्ट? तो वेरी शॉर्ट इज अ पीरियड इन विच
सप्लाई इज फिक्स्ड एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड. मतलब यहाँ पर फिक्स है कि मुझे इतनी इतनी ये चीज बेचनी है और मैं प्राइस किस हिसाब से डिटरमाइन करूंगी कि इस चीज की डिमांड कितनी है. डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो मैं प्राइस बढ़ा दूंगी, डिमांड बहुत कम होगी तो मुझे भी तो कुछ बेचना ही है, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं प्राइस कम कर दूंगी. सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. द टाइम पीरियड इज फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स इन विच द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैनॉट बी इंक्रीज्ड. ये सिंस वेरी शॉर्ट है तो इसमें हमारे पास फिक्स सप्लाई है, उसको ही हमें बेचना है. इतने कम वक्त में हम लोग हमारा सप्लाई जो है उसको बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए दिस इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कि जो फिक्स सप्लाई है उसको ही हमें बेचना है. डिमांड के हिसाब से हमने प्राइस डिटरमाइन करके रखी हुई है और यहाँ पर हम अचानक से सप्लाई बढ़ा नहीं सकते. ठीक है, नेक्स्ट इज शॉर्ट मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट. शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर. वेरी शॉर्ट बहुत कम था. शॉर्ट क्या है, एक साल से कम का वक्त समय है. इन दिस पीरियड फर्म्स कैन ओनली मेक एडजस्टमेंट इन इनपुट्स लाइक लेबर to increase the supply of goods and services. Now, if I want, since I have a period of almost a year, not one complete year, but almost a year, I have time to increase my supply. How will I increase my supply? By increasing my labor. Labor ko labor zyada hoga, zyada log kaam karenge, to zyada unka labor mujhe milega. Aur usse main ek saal ke andar main apna supply jo hai wo badha sakti hu. So this is short period market. Next is third is लॉन्ग पीरियड मार्केट. लॉन्ग पीरियड में क्या है, तो लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर वेरिएबल. इन द लॉन्ग रन फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट. इट इज फॉर अ फ्यू ईयर्स, जनरली अप टू 5 years. मतलब लॉन्ग पीरियड में वो लोग बोल रहे हैं, एक मिनट हम लॉन्ग पीरियड में वो लोग बोल रहे हैं कि ये इतना लॉन्ग है पीरियड कि जिसमें हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें लगती है हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए. तो इसमें मैं क्या है कि कुछ ना कुछ बदलाव ला सकती हूँ, इन सबके कॉस्ट को एडजस्ट कर सकती हूँ. ये जनरली कितने साल तक होता है लॉन्ग पीरियड का मार्केट, तो 5 साल तक का होता है. और नेक्स्ट है वेरी लॉन्ग पीरियड. वेरी लॉन्ग पीरियड इतना लॉन्ग है कि इसमें तुम आराम से तुम्हारा इनपुट्स में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, सप्लाई बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, 5 years के ऊपर वाला मार्केट है. सो दिस दे हैव एक्सप्लेन्ड अस इन वेरी शॉर्ट दैट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग पीरियड. तो इतना क्लियर है. आवाज नहीं आई मुझे. यस यस ओके. तो ये उन्होंने हमें बताया कि हम जगह के हिसाब से और वक्त के हिसाब से तो क्लासिफाई कर सकते हैं मार्केट्स को. तीसरा है हमें कंपटीशन के हिसाब से भी हमारा जो ये है, कंपटीशन के हिसाब से भी हमारे मार्केट्स को हमें क्लासिफाई करना है. तो फर्स्ट क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है. उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं. Competition among the sellers and buyers is most important criteria for classification of markets in economics. Let us study the various types of market on the basis of competition among the sellers. अभी ये क्या है, हम लोग competition sellers के बीच की competition देख रहे हैं. तो first हम देखेंगे what is perfect competition. ठीक है, तो what is the meaning and definition of perfect competition? Perfect competition is an ideal, an imaginary concept of market rather than an actual market. मतलब ऐसा actual में market नहीं है, ये एकदम ideal market है जो हमने सिर्फ दिमाग में सोचा हुआ है. ठीक है, तो Mrs. Joan Robinson क्या बोल रहे हैं, perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. मतलब वो बोल रहे हैं कि इसमें ये कंपटीशन में हर प्रोड्यूसर जो चीज प्रोड्यूस करेगा उसके प्राइस में कोई चेंजेस आने की वजह से लोगों के डिमांड में कुछ ना कुछ फर्क आएगा. मतलब ये आइडियल मार्केट है, ये एक्चुअल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ हमारे दिमाग में हमने इमेजिन किया हुआ मार्केट है. इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये एग्जैक्टली मार्केट कैसा है.